बद्रीनाथ मंदिर धाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु जी को समर्पित है और यह स्थान धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चार धाम में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इनके इर्द गिर्द बसे नगर को बद्रीनाथ कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3,303 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालय क्षेत्र के मौसमी दिशाओं के कारण मंदिर वर्ष में 6 माह की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख पर्व माता मूर्ति का मेला है। जी हाँ दोस्तों, जो पृथ्वी पर माँ गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवा कर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उनकी स्थापना करवा दी थी और यह भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण कराया था। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल प्रकृति की गोद में स्थित है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है, गर्भ गृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर में 15 मूर्ति स्थापित हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार यह है स्थान शिव भूमि के रूप में व्यवस्थित है। भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा के पास शिव भूमि का स्थान बहुत ही भा गया। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर गंगा और अलकनंदा के संगम के बाद बालक रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती और शिव जी बालक के पास आए और उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव भूमि का स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। यह कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ कर मायके चली गईं। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां पर भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। उस समय उस स्थान पर बद्री यानी कि बेरों के पेड़ का वन था। यह भगवान विष्णु ने तपस्या की थी इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया और इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। बद्रीनाथ मंदिर भक्तों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। इसमें बद्रीनाथ भगवान की दिन में 2 बार आरती, सुबह 4:30 बजे महाभिषेक और आरती व रात्रि में 8:30 बजे रात्रि आरती होती है। भगवान को प्रसाद के रूप में गरी का गोला, मिश्री कच्चे चने के दाल और वन की तुलसी की माला अर्पित की जाती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे पावन बद्रीनाथ के मुख्य रूप से 2 त्यौहार माता मूर्ति का मेला और बद्री केदार त्यौहार बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन दोनों त्योहारों के समय समय पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की यहाँ अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र करने से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है।
यहाँ ऊंची शिला पर एक ब्रह्म कपाल नाम की जगह स्थित है, जहाँ पितरों को तर्पण करने से पितरों को मुक्ति भी मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मण आदि गुरु शंकराचार्य जी इनके अनुयायी होते हैं, जो रावल कहलाए जाते हैं। रावल के लिए स्त्री का परामर्श करना भी पाप माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बद्रीनाथ मंदिर जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।